हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा बक्शी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज है 27 जुलाई और डे है सैटरडे और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30। मैंने उस दिन जब थर्सडे के बाद 12 बजे ही वीडियो का एंड कर दिया था, क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा था अर्थिंग का। मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा जो है ना काम फैलने वाला है, तो मैंने वीडियो का एंड वहीं कर दिया था। और उसके बाद मैंने फ्राइडे को भी कोई वीडियो नहीं बनाई और आज सैटरडे को मैंने उन लोगों को आने नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी रेस्ट चाहिए था। इन 2 दिन में मैं काफ़ी थक गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हो गया था। होता है ना सीमेंट का, जब आप कहीं ना कहीं गड्ढा करते हो तो बहुत ज़्यादा मिट्टी गिरती है। कल आकर वो अपना काम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बस मैं भी आज किचन में जो डिनर बनाऊँगी वही सब मैं आपसे आज शेयर करूँगी। तो मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं आपको पता ही है कि मैंने अपना डाइट प्लान स्टार्ट किया है थोड़ा सा वेट लूज़ करने के लिए। तो उसमें मैंने अभी बिल्कुल एक साथ सब कुछ नहीं छोड़ा है, क्योंकि 2 दिन ही हुए हैं। और मैंने अभी बस जब मैंने अपने चाय बना रही हूँ या मैं कोई दूध ले रही हूँ, तो मैंने उसमें चीनी जो है, जहाँ मैं 2 चम्मच डालती थी वहाँ 1 चम्मच कर दी है। और टोंड मिल्क मुझे अभी मिल रहा है, कहीं दूर से जाएँ तो क्या पता वहाँ पर डबल टोंड भी मिल जाए, तो मैं डबल टोंड ही लाया करूँगी अपने लिए। और दिन में मैं बिल्कुल प्रॉपर खाना लेती हूँ, जैसे लंच प्रॉपर करती हूँ, 2 रोटी और साथ में रोटी सब्जी जो भी है वो लेती हूँ। अब धीरे धीरे ही मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा कम करूँगी। और जो डिनर है, डिनर में अगर राइस होते हैं तो बहुत थोड़े से लेती हूँ और साथ में दाल ज़्यादा लेती हूँ। 2 दिन से तो मैं ऐसा ही कर रही हूँ, और वो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बॉयल लेती हूँ, जैसा तड़का लगता है दाल में वैसे ही। तो फ्राइडे को मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करी थी, लेकिन आज सुबह थोड़ी बॉडी में पेन हो रहा था, क्योंकि अभी बॉडी इतने दिनों बाद यूज्ड टू नहीं हुई है, तो स्ट्रेचिंग करो ना तो वो स्ट्रेचिंग का ही पेन होता है बॉडी में, तो वो करी थी। फिर मैंने आज थोड़ा बहुत ही करा है, तो बस थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे करती रहूँगी और जो भी करूँगी वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। फिर आज मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। दिन में तो इतनी गर्मी थी, लेकिन अभी शाम को मौसम फिर अच्छा हो गया है। कुछ बाहर का वेदर, और ये है ना, ये हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरी बेटी के रूम का जो ऊपर फॉल सीलिंग बोलते हैं ना, जिसको ये उतार के रख दिया उन्होंने। और एक चीज़ ना मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से अपने प्लांट्स रखे हैं। ये जो तुलसी का पौधा है ना, ये मैं इतना सा लेकर आई थी, इतना छोटा सा, जो आज ये इतना बड़ा हो गया है, बिल्कुल पेड़ हो गया है ये, उस साइड तक आता है पूरा। बारिश होती है ना तो सारे खिले खिले से हो जाते हैं पौधे। थोड़े बहुत ही रखे हैं, बाकी तो सब मैं अपनी छत पे रखती हूँ, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी 2-3 मिनट के लिए यहाँ पर आकर बैठी हूँ, फिर जाऊँगी किचन में और डिनर की तैयारी करूँगी, क्योंकि टाइम हो रहा है। और दोनों बच्चे मेरे खेल रहे हैं, क्योंकि बेटी का मंडे को एग्ज़ाम है तो वो पढ़ रही थी, तो अभी उसकी थोड़ी पढ़ाई कम्प्लीट हुई है, तो अब वो खेलेगी उसके साथ, 1.25 घंटा उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी। उससे अच्छा लगता है अपने छोटे भाई के साथ टाइम स्पेंड करना। क्या होता है कि वो जो जो नई चीज़ें सीखता है वो सब मेरी बेटी उसको सिखाती है, काउंटिंग हो चाहे वो राइम्स हो, तो वो उससे सीखना ज़्यादा पसंद करता है बजाय मेरे। और बस आज एक छोटी सी मुझे आपसे बात करनी है, तो इसको ये क्या है कि बहुत छोटी सी बात है कि पहले जब मैं YouTube पे आई थी ना, मैं कैसे आई YouTube पे, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन ना मुझे ये भी नहीं पता था कि YouTube क्या होता है। पहले किसी का चैनल सब्सक्राइब करना होता था तो मुझे लगता था कि इसके पैसे लगते हैं, ये बात मुझे भी नहीं पता थी। मैं कभी चैनल सब्सक्राइब करती थी तो सब्सक्राइब तक ही रहता था और मैं बेल बटन हिट नहीं करती थी। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप में से भी मेरे फ्रेंड्स कई लोग ये नहीं जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी हिट करना है, क्योंकि जब मैं अपना पेज देखती हूँ, मतलब जब मैं अपना चैनल देखती हूँ, तो उसमें ये आता है कि मेरे जो 29% सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन बेल बटन को हिट नहीं किया है। तो प्लीज़ मैं आप सब अपने फ्रेंड से यही कहना चाहूँगी कि एक बार बस ये देख लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल बटन हिट किया है कि नहीं। बेल बटन हिट करने का मतलब ये होता है कि मेरी जितनी भी नई मेरी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सबको तुरंत पहुंच जाएगा। और अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ देंगे तो वो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो ये बस मुझे आपको यही बात बतानी थी, और ये कोई नई बात नहीं है, मुझसे मैं ही नहीं जानती थी पहले ये सब कुछ, तो मेरे कई फ्रेंड्स क्या पता नहीं भी जानते हो, तो बस ये बात मुझे उन तक ही पहुंचानी थी। फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं किचन में,
और आज बनाने जा रही हूँ मैं चने की दाल, और इसके अंदर मैंने मिक्स किया है अरहर की दाल। तो मतलब मैंने थोड़ी सी ली है, आधी कटोरी के करीब ली है चने की दाल, और आधी कटोरी ही मैंने ली है अरहर की दाल। तो दोनों सेम क्वांटिटी में ली हैं। इसको मैं बॉईल होना रख दूंगी, और साथ में ही मैं बनाऊंगी आज आलू। बॉईल कर लिए हैं मैंने पोटैटोस, और इसको चटपटे आलू भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको खट्टे आलू, मतलब ये सूखे आलू, जो भी आप कहना चाहें, ये अच्छे लगते हैं साथ में दाल के साथ। तो आज मैं ये बनाने जा रही हूँ। तो मैं पहले इसको बॉईल करना रख दूंगी। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, और इसे प्रेशर कुक होने के लिए रख दूंगी। तो मैंने हाई फ्लेम पे प्रेशर कुक होने के लिए रख दिया है, और एक सीटी के बाद मैं इसको सिम फ्लेम पे 15-20 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो जब तक हमारी दाल कुक हो रही है, उस बीच में और भी कुछ काम कर लेते हैं। अब हम ये अपने जो पोटैटोस हैं, इसके छिलके पील कर लूंगी मैं। तो ये मैंने पील कर लिए हैं, और अब मैं इनको थोड़े से मोटे टुकड़ों में कट करूंगी, करीबन ऐसे, ये इतना मोटा रहेगा। तो ये मैंने ऐसे कट कर लिए हैं। और आपको एक बात बताऊं कि हर मौसम का जो आलू होता है ना, वो अलग अलग आता है। तो सर्दियों का आलू बहुत अच्छा होता है, उसमें बॉईल करने के बाद भी एक टाइटनेस रहती है, लेकिन कई आलू ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चिपके चिपके होते हैं। हर आलू का टेस्ट अलग होता है, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग आलू में भी टेस्ट अलग अलग होती है। तो अब जो ये मैंने आलू कट करे हैं ना, ये मैं इसमें डाल दूंगी सारे, और अब मैं इसमें मसाला डालना शुरू करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। तो मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर। अब मैं डालूंगी इसके अंदर लाल मिर्च, और मैं डालूंगी इसके अंदर अमचूर पाउडर। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, और मैं डालूंगी इसके अंदर अनारदाना पाउडर। जो ये मैं लेकर आई थी, मुझे अनारदाना पाउडर बाजार से नहीं मिला था, पूरे उसके सीड्स ही मिले थे मुझे, तो मैंने इसको क्रश कर लिया था मिक्सर ग्राइंडर में। तो ये क्रश करके मैं इसमें डाल रही हूँ। तो बस अब मैं इन सबको मिक्स कर लूंगी, जिससे कि मसाले सारे इस पर कोट हो जाएं। तो और इसको थोड़ी देर के लिए मैं, जब तक मैं अपने दाल का तड़का बनाऊंगी, बस उतनी देर के लिए इसको मैं छोड़ दूंगी, 10-15 मिनट ये ऐसे ही, इनको ऐसे ही रख दूंगी। तो अब मैं दाल का तड़का तैयार कर दूंगी। इसके अंदर मैं घी डालूंगी। घी में ना दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घी गर्म हो गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ हींग, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा, अब इसमें मैं प्याज ऐड करूंगी। ये मैंने 2 छोटे प्याज लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड करे हैं, वही करेंगे हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का ये पेस्ट ऐड करूंगी। और फिर 10-12 सेकंड चलाने के बाद मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर ऐड करूंगी। तो ये अब थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड रेड चिली पाउडर, क्योंकि हल्दी हमने इसमें डाल दी थी दाल में, और नमक भी डाल दिया था। तो नमक थोड़ा तो ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा देखकर, क्योंकि दाल में भी डाला था, बॉईल करा था जब, और थोड़ा सूखा। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और वही जब ये पकने लगेगा, तड़का तेल छोड़ने लगेगा, तो हम दाल में इसको मिक्स कर देंगे।
तो दाल के लिए तड़का हमारा रेडी हो गया है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो दाल हमारी रेडी हो गई है, थोड़ा सा मैं हरे धनिया से इसको गार्निश कर दूंगी। तो अब कढ़ाई में मैं डालूंगी सरसों का तेल। मैं आलू जो है वो सरसों के तेल में बनाती हूँ जब ये वाले बनाती हूँ। तो इस सरसों के तेल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे, क्योंकि कई लोगों को सरसों के तेल की जो महक होती है वो सब्जी में पसंद नहीं होती है, उसका टेस्ट पसंद नहीं होता है। तो जब आप अच्छी तरह सरसों के तेल को गर्म कर लेते हैं तो उसके अंदर जो भी उसका टेस्ट होता है, जो भी महक होती है, वो खत्म हो जाती है। तेल गर्म हो गया था अच्छी तरह, अच्छी तरह गर्म करके थोड़ा सा ठंडा भी करना होता है, क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है जब आप इसको इसमें से महक निकालते हो। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी सबसे पहले ये हींग ऐड करी है मैंने इसके अंदर, और हींग के साथ थोड़ा सा मैं डालूंगी इसके अंदर, और इसी के साथ मैं डालूंगी इसके अंदर जो मैंने इसके अंदर एक कटोरी दही डाली है, उसको मैं अब 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी सिम फ्लेम पे। तो 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसके अंदर वही आलू ऐड करूंगी ये। अच्छा, दही जो है ना आप नहीं चाहते डालना तो रहने, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे इसको दही को स्किप कर सकते हैं। तो बस अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे इसी के अंदर, कढ़ाई को ढकना नहीं है, इसे खोलकर ही पकाना है। तो पकाना कैसे है, बीच में आप इसको हाई भी कर सकते हैं और फिर मीडियम लो फ्लेम पर इसको पका सकते हैं। तो अभी फ्लेम मैंने हाई कर रखी है क्योंकि कढ़ाई थोड़ी और अच्छी तरह गर्म हो जाएगी, फिर मैं इसको सिम पे कर दूंगी। और ऐसे करते करते इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस 3-4 मिनट तक आप इसको पकाएंगे और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये आलू बनके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, साथ में ये जो घी था वो छूटने लगा है सारा, तो इसका मतलब आलू हमारे तैयार हो गए हैं और ये बिल्कुल रेडी है। अब तो मैं अब गैस को ऑफ कर दूंगी, इस पर भी थोड़ा सा हरा धनिए से मैं ये गार्निश करूँगी। तो आप ही ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो दाल के साथ हो या फिर आप छोले भटूरे वाले छोले बना रहे हैं ना, उसके साथ भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, गर्मा गर्म टेस्टी सा और बिल्कुल सिंपल सा डिनर बनके तैयार हो गया है। तो ये जो आलू की रेसिपी है ना, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आलू की सब्जी ये वाली बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो एक बार मेरे कहने पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आकर मैं अब बैठ गई हूँ क्योंकि किचन में खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई थी। थोड़ी देर मैं बैठूंगी, उसके बाद अब फिर डिनर करेंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए, जिससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।